अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, काफ़ी अर्से बाद मैं आई हूँ। वीडियो लगाई है मैंने, कुछ थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। तो इंशाल्लाह अब से आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिला करेंगी। तो आज मैं जिस स्टोर पे आपको लेके जा रही हूँ वो है सेविंग होम अजमान। ये इसका पार्किंग एरिया है। चलें अब अंदर चलते हैं। जैसे आप एंटर होते हैं आपको सारी डेकोरेशन की चीज़ें मिलेंगी, और आगे आ रहा है रमज़ान, तो रमज़ान की इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन यहाँ पे है और इतने अच्छे प्राइसेस में। ये लाइट्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस थे। ये वाला तो बहुत ही प्यारा था, इट्स 23 दिरहम्स। और लाइट्स में इतनी वैरायटी थी, डेकोरेशन में इतनी वैरायटी थी, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं मुसाफिर, तो हमें अपने ओकेजन्स को ख़ुद ही हमने इंजॉय करना है। कि फिर वैसे तो हम अपनी कंट्री से बाहर हैं तो याद बहुत आती है, अपनों के साथ हम नहीं मना सकते ओकेजन्स, चाहे वो कुछ भी ओकेजन हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर को डेकोरेट करें, रमज़ान की तैयारी करें, इसी में ही एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारे। अच्छा अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बास्केट्स थी 36 दराम की, बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट चीज़ें थी। ये मार्क्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और ये यहाँ पे बहुत सस्ते थे, मतलब गिफ्ट मार्केट से भी यहाँ सस्ते थे। ये सिर्फ आई थिंक 3 point something दरहम के थे, मतलब बहुत चीप थे। फिर यहाँ पे ये ट्रेस थी सिलिकॉन की, इसमें आप आइस फ्रीज कर सकते हो, बेकिंग कर सकते हो। देखिए ये आइस क्यूब्स के लिए है, आप डिफरेंट फ्लेवर्स की आइस क्यूब तैयार कर सकते हो फिर फ्रीज करके, तो इससे ईजी निकल आएगी। फिर ये लैम्प्स यहाँ पे बहुत प्यारे थे, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लैम्प्स थे। ये 1 to 20 स्टोर नहीं है, इसमें बहुत हाई प्राइसेस की भी चीज़ें हैं और लो प्राइसेस की भी चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हों, वो घर की चीज़ें हों, किचन रिलेटेड चीज़ें हों, स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ें हों, तो आपको यहाँ पे एक रूफ़ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अब ये वाला सेक्शन इसका सबसे प्यारा सेक्शन था, इतने प्यारे प्यारे ये ऑर्गेनाइजर्स, रैक्स, कुछ भी कह लें, इतने डिज़ाइन, इतनी वैरायटी गोल्ड की, मतलब ये केक स्टैंड्स, कपकेक स्टैंड्स, डिफरेंट बास्केट्स। फिर ये भी देखें इस साइड पे भी फुल ये एरिया स्टैंड्स का भरा हुआ था, सेंटर टेबल्स, हाई कंसोल टेबल्स, और बस आप इंगेजमेंट की ट्रे बनाना चाहते हो इधर से ले लें। फिर ये कॉफ़ी स्टैंड्स थी, पूरा कॉफ़ी का एक शेल्फ था। यहाँ पे कुछ चेयर्स भी थी, मतलब बहुत मुख्तलिफ किस्म की थे, और कारपेट्स भी थे यहाँ पे। ये था अराउंड 100 समथिंग ऐसे कारपेट्स थे। ये फिर किचन में जो हम स्टैंड्स रखते हैं, फोल्डेबल स्टैंड्स, ये भी बहुत काम की चीज़ है। 99 दिरहम की थी ये ट्रॉली विद व्हील्स, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी बेड के साइड पे रखो अपनी ज़रूरी चीज़ें या कॉस्मेटिक्स के लिए रखो। फिर यहाँ पे ये गार्डन सेक्शन था, मैं बहुत प्यारे प्यारे प्लांटर्स, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, वाजेस थे, फ्लावर्स थी, पूरा पैटियोज बने थे, मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। फिर आगे यहाँ पे जो यूटेंसल्स हैं वो भी बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, मुख्तलिफ़ किस्म के थे। ये 1 bowl 15 दिरहम का था, 1575 सेंट्स का, और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। और फिर इस साइड पे सारे वुड के केक स्टैंड्स थे, डिफरेंट स्टैंड्स थे, और ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इसका बहुत फैशन है, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। बास्केट्स थे, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे, और प्राइसेस भी हर चीज़ की अपनी ही अकॉर्डिंग थी। फिर यहाँ आ जाता है रमज़ान की और डेकोरेशन, तो बस रमज़ान की डेकोरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में है। मेरी आज की वीडियो, अपने ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।